हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इट इज़ वन ऑफ द मेथड टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ। तो कल हमने फीचर्स पढ़े थे कि कॉन्ट्रासेप्शन मेथड जो हम यूज़ कर रहे हैं वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, चीपर होना चाहिए, इफ़ेक्टिव होना चाहिए और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। वही कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड क्या होता है, बेस्ट होता है। तो चार तरह के कॉन्ट्रासेप्शन हम पढ़ेंगे, मैकेनिकल, केमिकल, नेचुरल एंड सर्जिकल। सबसे पहला हम जानते हैं मैकेनिकल। मैकेनिकल ये क्या है, एक बैरियर है। आप दीज प्रिवेंट द फिजिकल मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म। आपने क्या करना है कि ओवम और एग, हमने फर्टिलाइजेशन को किसी भी तरीके से रोकना है, तो ड्यूरिंग द कीटस और ए कॉपुलेशन वी प्रिवेंट द कॉन्टेक्ट बिटवीन ओवम एंड स्पर्म। स्पर्म और ओवम के कॉन्टैक्ट को अगर हम रोक देंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो जायगॉट नहीं बनेगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा, तो न्यूबॉर्न बेबी नहीं होगा। तो मैकेनिकल का मतलब है किसी भी हम हिंड्रेंस क्रिएट कर दें, जो वो हिंड्रेंस हमारे ओवम और स्पर्म को कॉन्टैक्ट में नहीं आने देगी। तो सबसे पहली जो हिंड्रेंस यूजुअली यूज की जाती है, दैट इज कॉन्डम। कॉन्डम क्या है, इट इज यूज बाय द मेल टू कवर इट्स हर हिज पेनिस बिफोर द कॉपुलेशन। तो ये क्या है, एक डिस्पोजेबल रबर शीट होती है, रबर से बना हुआ स्ट्रक्चर है, जिसको मेल जो है अपने पेनिस पर कवर करता है बिफोर गोइंग फॉर द कॉपुलेशन और द कीटस। तो जो सीमन रिलीज होगा वो कहाँ कलेक्ट हो जाएगा, उस रबर में कलेक्ट हो जाएगा। इट डज नॉट एंटर द वजाइना ऑफ द फीमेल, दस प्रिवेंटिंग द कॉन्टैक्ट ऑफ ओवम एंड द स्पर्म। तो इससे क्या होगी, प्रेगनेंसी नहीं होगी। सबसे वाइडली यूज कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड जो इंडिया में यूज हो रहा है वो मैकेनिकल है। मैकेनिकल में कौन सा, कॉन्डम। दूसरा है डायफ्राम और सर्वाइकल कैप्स। ये यूज किए जाते हैं फीमेल से, जैसे कॉन्डम कौन यूज करता है, दैट वाज यूज्ड बाय दी मेल। डायफ्राम एंड सर्विकल कैप्स आर यूज्ड बाय दी फीमेल्स दैट कवर द वेजाइना पार्ट ऑफ दी फीमेल सो दैट सीमन डज नॉट एंटर इनटू इट। तो और दूसरी बात, कॉन्डम कैन नॉट बी रीयूज्ड, बट डायफ्राम एंड सर्विकल कैप्स कैन बी रीयूज, दे कैन बी वॉश्ड। थर्ड जो हम मैकेनिकल बैरियर यूज करते हैं वो है इंट्रा यूटरिन डिवाइसेस। इंट्रा यूटरिन डिवाइसेस क्या है, दीज आर सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट आर यूज्ड बाय द फीमेल टू प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम एंड द एग। तो इंट्रा यूटराइन मतलब हमारे फीमेल के यूट्रस में कोई डिवाइस एंटर करा दिया जाता है जो ओवम और स्पर्म के कॉन्टैक्ट को रोक देगा। उन चीजों को हम क्या बोलते हैं, इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस। उसमें क्या क्या आ सकते हैं, आपके कॉपर टी, लूप्स, मल्टी रॉड और कुछ हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस होते हैं, जिसको हम प्रोजेस्टेरेटर बोलते हैं और LNG20। तो यहाँ इस चैप्टर में बहुत सारी एब्रीवेशंस आ रही हैं बच्चे, जैसे यहाँ पर IUD, IUD की क्या फुल फॉर्म बनेगी, इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस। तो क्या है, कई बार नाम पूछे जाते हैं कि नेम एनी टू इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस, या ऐसा पूछा जाए नेम टू हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूटराइन डिवाइस, जबकि कॉपर टी जो है वो आयन रिलीजिंग डिवाइस है, जबकि प्रोजेस्टेरोन और LNG20 क्या रिलीज करते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं। कौन से करते हैं वो अभी हम देखेंगे। तो ऐसा डिवाइसेस जो फीमेल के अंदर इंसर्ट कराए जाते हैं, कहाँ पर, यूट्रस में, टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ ओवम एंड द स्पर्म। यूट्रस में फिट कराया जाता है टू प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग।
अब जो हमने अभी कॉपर टी या मल्टी रॉड या लूप्स की बात करी थी, वो क्या करेगा? वो क्या रिलीज करते हैं? कॉपर आयन रिलीज कर देंगे। वो कॉपर आयन क्या करेगा? स्पर्म की मोटिलिटी को क्या कर देगा? लोअर डाइन। मोटिलिटी मींस मूवमेंट, क्योंकि स्पर्म ने यूट्रस से ट्रेवल होते हुए कहां पर पहुंचना था? फेलोपियन ट्यूब में पहुंचना था फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो जब स्पर्म का मूवमेंट कम हो जाएगा, इट कैन नॉट रीच अप टू दी फेलोपियन ट्यूब। तो एक तो कॉपर आयन क्या कर देगा? मोटिलिटी मूवमेंट को रोक देगा स्पर्म की। दूसरी क्या कर देगा? फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब है कि यूट्रस में ही स्पर्म को एनगल्फ करा लिया जाता है, मार दिया जाता है, ताकि स्पर्म फेलोपियन ट्यूब तक ना पहुंचे। फेगोसाइटोसिस। फेगो मींस अंदर ले जाना, साइटोसिस मींस तोड़ देना, ठीक है, उस सेल को तोड़ देंगे। तो कॉपर दो तरीके से काम कर रहा है, या हम कहें कॉपर टी जो है या मल्टी रॉड है, वो दो तरीके से काम करती है। एक तो स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर रही है, दूसरा फेगोसाइटोसिस इंक्रीज कर रही है किसकी? स्पर्म की। दूसरे हमने दो तरह के हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटराइन डिवाइस देखे थे। वो क्या करते हैं? एक तो वो यूट्रस कि जो नेचर है, यूट्रस क्या है? वो एरिया है जहां पर आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमारा एम्ब्रियो क्या होना है? इम्प्लांट होना है। तो यूट्रस का जो एरिया है वो हाईली स्पंजी हो जाता है, ताकि वहां पर प्रॉपर इम्प्लांटेशन हो सके, एंडोमेट्रियम स्ट्रांग बन जाती है। लेकिन ये जो हार्मोन रिलीज होते हैं, ये क्या करते हैं? यूट्रस में चेंजेस करा देते हैं, ताकि वो एंडोमेट्रियम इतनी थिक ना बन सके। अगर थिक नहीं बनेगी तो इम्प्लांटेशन प्रॉपर नहीं होगा। साथ के साथ ये वाले काम तो ये करेंगे ही, क्या? मोटिलिटी कम हो जाएगी और फेगोसाइटोसिस कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा? किसी भी कारण से जब आप फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट कर रहे हो, तो दैट यूज बी एज अ मैकेनिकल बैरियर। लेकिन ये जितनी भी हमने डिवाइसेस देखे हैं, इनके हमेशा साइड इफेक्ट्स होते हैं। दीज डिवाइसेस हैव सम साइड इफेक्ट, कॉजेज द हेमरेज, एक्सेस ब्लीडिंग होने लग जाती है फीमेल्स के अंदर, इन्फेक्शन जेनाइटल रीजन में, इन्फेक्शन या तो बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, और स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन मतलब इनका लॉस भी हो सकता है, मतलब वो यूट्रस से बाहर भी आ सकते हैं। तो इन डिवाइसेस के साइड इफेक्ट्स भी हैं। सबसे बड़ा साइड इफेक्ट यही है कि ब्लीडिंग एक्सेस होने लग जाती है फीमेल्स में, और दूसरा इन्फेक्शन हो जाता है। सेकेंड मेथड जो हम कॉन्ट्रासेप्शन का देखते हैं, वो है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या है? किसी भी केमिकल फॉर्म में जब आप फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट कर रहे हो, आप कुछ टेबलेट्स ले रहे हो, वो टेबलेट्स क्या करेंगे? स्पर्म को मार देते हैं। स्पर्मिसाइडल टेबलेट, स्पर्म को किल करने वाले टेबलेट्स आप ले रहे हो, या जेलीज ले रहे हो, पेस्ट आते हैं, कुछ क्रीम्स हैं जो क्या है, फीमेल के वेजाइना में लगाए जाते हैं बिफोर द कॉपुलेशन और आफ्टर कॉपुलेशन व्हेन द सीमन इज रिलीज इन द वेजाइना। दीज थिंग्स स्पर्मिसाइडल टेबलेट, जेली, पेस्ट, क्रीम, सब उस स्पर्म को क्या कर देंगे? किल कर देंगे। तो दीज केमिकल्स आर ऑल्सो यूज बाय दी फीमेल इन देयर वेजाइना, बट दीज ऑल्सो कॉजेज सम साइड इफेक्ट, सम सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन हो जाती है फीमेल्स के अंदर। दूसरा, ये तो हम क्या है, जेनाइटल रीजन में इन चीजों को यूज कर रहे हैं। जेनाइटल रीजन में जब हम अपने रिप्रोडक्टिव ट्रैक में यूज कर रहे हैं, इन द वेजाइना और सर्विक्स रीजन में यूज किया जाता है। दूसरी क्या केमिकल मेथड हो सकते हैं? हम ओरली कोई मुंह से टेबलेट ले, आपने सुना भी होगा एड आती है मालाडी या अनवांटेड 74, ये सारी क्या है, आपके मुंह से लेने वाली दवाइयां हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ओरल डिवाइसेस। दीज पिल्स आर टेकन थ्रू माउथ। दीज कंटेन क्या होता है इनके अंदर? प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन होता है। तो जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होगा, तो FSH और LH नहीं बनेगा, क्योंकि हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखा था ना, लास्ट में ल्यूटिल फेज में प्रोजेस्टेरोन हाई लेवल में होता है, तब FSH और LH क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। तो ये क्या करती हैं पिल्स?
ब्लड में प्रोजेस्टेरोन के लेवल को हाई बनाकर रखती हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH और LH नहीं निकलेगा। अगर FSH और LH नहीं निकलेगा तो ग्राफियन फॉलिकल से ओवुलेशन नहीं होगी। ओवुलेशन नहीं होगी इसका मतलब एग नहीं बनेगा। एग नहीं बनेगा तो किसी भी तरह की फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो ये दो यूजुअली नाम ओरल डिवाइसेस यूज किए जाते हैं, मालाडी और सहेली। दे जर्नली हैव साइड इफेक्ट। इनके लेने से क्या होगा, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो हम कहते हैं 28 डेज की या 30 डेज की होती है वो इररेगुलर हो जाती है। इट मे रिड्यूस और इट मे एक्सटेंडेड अप टू 2 मंथ्स। तो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल में इररेगुलरिटी आने लग जाती है तो वो क्या है, इसका ओरल डिवाइसेस के साइड इफेक्ट है। तो ओरल डिवाइसेस में क्या है, हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन। ज्यादा हाई लेवल प्रोजेस्टेरोन लेने से भी क्या है, यंग कपल्स जब स्टार्टिंग में ही प्रोजेस्टेरोन ज्यादा लेने लग जाते हैं तो चांसेस ऑफ कंसीवमेंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। तो ये दो केमिकल मेथड्स हमने देखे, एक तो क्या था, हमने जेनाइटल रीजन में यूज करा, दूसरा क्या है, थ्रू माउथ ओरली आप उन दवाइयों को खा रहे हो। तीसरा क्या है, नेचुरल मेथड हम बोले कि वी हैव टू सेल्फ कंट्रोल अवर सेल्फ। सबसे पहला है टू एब्स्टिन, मतलब अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करके रखना टू प्रिवेंट दी कॉपुलेशन या कीटस। आपने कॉपुलेशन नहीं करनी है तो उससे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। दूसरा क्या है, कीटस इंटरप्टस, कि जब आप कॉपुलेशन कर रहे हो उस वक्त व्हेन पेनिसिस इनसाइड द वेजाइना ऑफ द फीमेल बिफोर द रिलीज ऑफ द सीमन पेनिस हैज टू बी रिमूव्ड आउट ऑफ द फीमेल बॉडी। तो ये क्या है, अगर आप पहले ही निकाल लोगे तो उससे क्या होगा, सीमन फीमेल की बॉडी में नहीं जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कीटस इंटरप्टस, कि आपने बीच में ही इंटरप्ट कर दिया फीमेल की बॉडी में, आपने सीमन को जाने ही नहीं दिया। तीसरा है पीरियोडिक एब्स्टेंस। हमने देखा था कि ओवुलेशन हमारी कब हो रही थी मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ऑन द 14th डे, है ना। तो वो क्या है, हमारा मिड ऑफ दी मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मिड ऑफ दी मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल इज हाईली एक्टिव, क्योंकि एग है उसके, एग रिलीज हो गया है ओवरी से, एग इज अवेलेबल इन द फेलोपियन ट्यूब फॉर द फर्टिलाइजेशन। तो जब फीमेल हाईली एक्टिव है ओवुलेशन के आसपास, ओवुलेशन कब हो रही है, 14th डे हो रही है, तो उसके नियर बाय डेज बिफोर 5 डेज और आफ्टर 5 डेज, बिफोर 5 डेज की हम बात करें 9th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड आफ्टर द 5 डे ऑफ द 14th डे क्या आएगा, 19। तो 9 से 19 तक इफ वी अवॉइड द कॉपुलेशन, उस टाइम पीरियड में अगर हम कॉपुलेशन ना करें, जब हमारा फीमेल बॉडी इज हाईली एक्टिव, क्यों एक्टिव है, क्योंकि इट गोइंग टू बी रिलीज एग ऑन दी 14th डे। तो 14th डे को उसने एग रिलीज करना है, एग इज टेकिंग पार्ट, इज गोइंग टू बी टेकिंग पार्ट इन फर्टिलाइजेशन। तो उसके 5 दिन पहले और उससे 5 दिन बाद तक अगर आप कॉपुलेशन ना करें तो भी हमारे चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक एब्स्टेंस, कि आपने अपने साइकिल को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को जानकर आपने उन डेज में कॉपुलेशन नहीं करना है व्हेन फीमेल इज हाईली एक्टिव। एक्टिव क्यों है, क्योंकि एट द मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल शी इज ओवुलेटिंग, 14th डे इज द ओवुलेटिंग डे। अ वीक बिफोर, अ वीक आफ्टर द मेंस्ट्रुअल फेज आर सपोज टू बी सेफर पीरियड फॉर द सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो ये जो 10 डेज हमने बात करी है वो क्या है, हाईली रिस्की टाइम पीरियड है। क्यों, क्योंकि उस वक्त एग अवेलेबल होगा फॉर द फर्टिलाइजेशन। उसके आगे पीछे हम क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं तब प्रेगनेंसी नहीं होगी। 4th है लैक्टेशनल एमेनोरे।
ये क्या है, एक इंटेंस, जब फीमेल आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, व्हेन फीमेल इज फीडिंग हर चाइल्ड, तो क्या होगा, लैक्टेशन के दौरान फीमेल में क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती या ओवुलेशन नहीं होगी। व्हेन मदर इज फीडिंग हर बेबी देर इज ए नो मेंस्ट्रुएशन और नो ओवुलेशन, बट इट इज नॉट फिजिबल टू ऑल फीमेल्स, सब फीमेल्स के साथ नहीं ऐसा होता। कुछ फीमेल जब अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं और जब तक वो दूध पिलाती रहती हैं, उनको मेंस्ट्रुएशन मतलब उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रीगेन नहीं होती। मेंस्ट्रुअल साइकिल रीगेन नहीं हो रही इसका मतलब वो ओवुलेशन भी नहीं हो रहा, तो वो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या रहेंगे, हमेशा लो रहेंगे। तो नेचुरल मेथड क्या है कि आप सेल्फ कंट्रोल करें, वो सेल्फ कंट्रोल आपके चार तरीके का है। टू एब्सटेन, आप कॉपुलेशन ही ना करें। कीटस इंटरप्ट्स, आप क्या है, बिफोर द इजैकुलेशन ऑफ सीमन द स्पेनिस इज रिमूव्ड आउट ऑफ द वेजाइना। पीरियोडिक एब्सटेंशन मतलब आप ड्यून मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल यू शुड नॉट कॉपुलेट। और चौथा है लैक्टेशनल हेमरेन, इसमें क्या है कि जब मदर बच्चे को फीड कराती है उस टाइम पीरियड में उसको मेंस्ट्रुएशन नहीं होती। फोर्थ मेथड है हमारा कॉन्ट्रासेप्शन का, दैट इज सर्जिकल मेथड। दीज मेथड्स ब्लॉक द गेमीट ट्रांसपोर्ट एंड प्रिवेंट द कंसेप्शन। सर्जिकल मेथड का मतलब है कि जब आप ऑपरेशन करा लेते हो। हमने पढ़ा था कि जब ओवरी इज ए प्लेस वेयर द एग इज फॉर्म्ड एंड आफ्टर ओवुलेशन इट हैज रिलीज्ड इनटू द फेलोपियन ट्यूब एंड फेलोपियन ट्यूब इज द पार्ट वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। तो वो जो ट्रैक है हमारा, फेलोपियन ट्यूब है, दैट इज द साइट फॉर कलेक्टिंग द एग एंड फॉर द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। ऐसे ही मेल्स के अंदर क्या है, स्पर्म्स कहाँ बन रहे हैं, टेस्टीज के अंदर बन रहे हैं, और वहां से इपिडाइडमस कलेक्ट कर कहाँ भेज रहा है उसको, वाजा डिफरेंशिया में भेज रहा है। तो वाजा डिफरेंशिया क्या है, पाथ है टू ट्रांसपोर्ट दी स्पर्म। ऐसे ही फीमेल्स में वो पाथ क्या है, फेलोपियन ट्यूब। तो अगर हम इन पाथ्स को ही ब्लॉक कर दें तो ना तो सीमन रिलीज, स्पर्म रिलीज होगा मेल के अंदर से, ना फीमेल के अंदर से एग फर्टिलाइज होने के लिए तैयार होगा। तो अगर हम उन पाथ्स को किसी भी तरीके से ब्लॉक कर दें, दैट ब्लॉकेज इज कॉल्ड सर्जिकल मेथड। तो कंसेप्शन नहीं होएगा, कंसेप्शन मीन कंसीवमेंट नहीं होएगी, फीमेल की बॉडी कंसीव नहीं कर पाएगी, प्रेगनेंसी नहीं होगी। ये हाईली इफेक्टिव मेथड है जिसमें फेलियर ऑफ चांसेस क्या रहते हैं, जीरो। बाकी जितने भी हमने मेथड्स पढ़े हैं, इंट्रा यूटरिन डिवाइसेस पढ़े या हमने कोई केमिकल मेथड पढ़े, उनके साइड इफेक्ट्स तो हैं ही हैं, साथ में हम उनकी 100% श्योरिटी नहीं दे सकते कि दे प्रिवेंट द कॉन्ट्रासेप्शन, बट सर्जिकल मेथड प्रिवेंट दी 100% कॉन्ट्रासेप्शन एंड प्रिवेंट दी प्रेगनेंसी। तो सबसे पहले हम मेल स्टरलाइजेशन की बात करते हैं कि मेल को हम स्टेराइल बना दें, उसको इनफर्टाइल बना दें कि अब वो स्पर्म प्रोड्यूस तो कर पाएगा लेकिन ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा। इट इज ए परमानेंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, परमानेंट मेथड है। क्यों? क्योंकि इसमें फेलियर के चांसेस बिल्कुल नहीं है। बाय रिमूविंग टेस्टीज, या तो हम टेस्टीज को ही निकाल दें, टेस्टीज नहीं होंगी तो स्पर्म नहीं बनेगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैस्ट्रेशन। क्या बोलेंगे, कैस्ट्रेशन। या दूसरा हम क्या करें, हमारे वाजा डिफरेंशिया को कट करा दें और उसको बांध दें। जैसे हमने बात करी थी कि इस तरह का कोई स्ट्रक्चर हो, हमने ये किया था ना, यहां से आपका ये एपिडाइडमस है, यहां से क्या जा रही थी आपकी वाजा डिफरेंशिया, यहां सेमिनल वेसिकल थे और फिर ये यूरेथ्रा से ज्वाइन हो गई थी, ऐसे ये इधर से आ रही थी
और फिर ये कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट बना रही थी। तो अगर हम इसको यहां से काट दें और यहां टाई कर दें इसको, तो ये कट लग गया, तो यहां से जो स्पर्म जाने थे ये नहीं जा पाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हम कहां पर कट लगा रहे हैं बच्चे, वाजा डिफरेंशिया में। तो क्या नाम आ गया, वेजेक्टोमी। क्या आया, वेजेक्टोमी। ऐसे ही अगर हम फीमेल्स की स्टरलाइजेशन की बात करें, फीमेल्स की सर्जरी की बात करें, तो अगर हम ओवरीज को रिमूव कर देते हैं तो ओवरी एटैकोमी कहलाएगा, ओवरी एटैकोमी। अगर हम फेलोपियन ट्यूब को कट करा दें और बांध दें, वो क्या कहलाया जाएगा, ट्यूबेक्टोमी। क्या कहलाया जाएगा, ट्यूबेक्टोमी। तो ये चार मेथड थे कॉन्ट्रासेप्शन के, जिसमें सबसे बेस्ट मेथड क्या है, सर्जिकल मेथड है हमारी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का, कि आफ्टर हैविंग वन और टू चाइल्ड एवरी मेल और फीमेल शुड गो थ्रू द सर्जिकल मेथड टू प्रिवेंट द ओवर पॉपुलेशन या हैविंग मोर प्रेगनेंसीज। प्रेगनेंसीज को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस मेथड को अपनाना चाहिए, ताकि हमारी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। हमने स्टार्टिंग में टॉपिक किया था कि वहां हमने कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बनाए रखने के लिए कुछ हमने फैमिली प्लानिंग्स की बात करी थी, तो वहां पर एक टर्म आया था कि भाई गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स को लॉन्च किया था ताकि एक फीमेल की हेल्थ अच्छी रहे, और एक टेक्निक को इस हेल्थ को बनाए रखने के लिए या उस प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए इस टेक्निक को, एमिनोसेंटोसिस को कंप्लीटली बैन कर दिया गया था इंडिया में, क्योंकि ये टेक्निक ऐसी टेक्निक थी जिससे ये पता लगाया जा सकता था कि मदर के वूम में मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है। तो अगर फीमेल चाइल्ड होता था तो क्या है, मदर इज फोर्स टू हैव अबॉर्शन, अबॉर्शन के लिए मदर को फोर्स किया जाता था, और फीमेल फिटिसाइड के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए थे। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए इस टेक्निक को कंप्लीटली बैन कर दिया गया फ्रॉम दी इंडिया। तो ये टेक्निक एक्चुअल में है क्या, इट इज अ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। डायग्नोस्टिक मतलब पहचानना, प्रीनेटल बच्चे के जन्म से पहले ही आप ये पहचान लो कि बच्चे में कोई बीमारी, किसी तरह की कोई डिफेक्ट नहीं है। तो एक्चुअल में ये टेक्निक इस चीज के लिए आई थी कि आप पहले से बच्चे के कोई डिजीज है या उसके अंदर कोई ऑर्गन ठीक से बन नहीं रहा, आंख ठीक से बनी, हाथ ठीक से बने, इन चीजों को जानने के लिए ये टेक्निक यूज की गई थी। प्रीनेटल बच्चे के जन्म से पहले ही पता है, जैसे आपने देखा होगा कई बच्चों के होंठ कटे होते हैं जन्म से पहले या उनके पैर मुड़े होते हैं। तो ये सारी टेक्निक्स, ये सारे जो चीजें हैं हम किसके थ्रू पता लगा सकते थे, एमिनोसेंटोसिस। तो ऐसे चाइल्ड को तो अबॉर्ट करना पेरेंट्स की दे हैव नो ऑप्शन, उस वक्त कोई ऑप्शन नहीं बचता पेरेंट्स के पास अगर बच्चे में कोई डिफेक्ट है। लेकिन हमारे इंडिया में इस टेक्निक को प्रीनेटल डायग्नोस की जगह क्या, किस चीज में यूज करना शुरू कर दिया, फीमेल, अगर फीमेल चाइल्ड है मदर के बूम में तो उसको अबॉर्ट करा दिया जाए। तो उसको एक रॉन्ग वे में ले जाने की वजह से इस टेक्निक को बैन कर दिया गया। तो ये क्या है, प्रीनेटल, बच्चे के जन्म से पहले ही पता लगा लेना, इन विच जिसमें हम क्या क्या पता लगा सकते हैं, सेक्स क्या है बेबी का, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, कॉन्जेनाइटल डिजीज कि जो पीछे से डिजीज बाय जेनेटिक्स जो चली आ रही है वो कोई डिजीज तो नहीं है। तो वैसे तो ये टेक्निक अच्छी थी, लेकिन इंडिया में इसको गलत तरीके से यूज किया गया टू चेक ओनली द सेक्स ऑफ द बेबी, इसलिए एमिनोसेंटोसिस क्या हो गया, बैन हो गया। तो अमीनोसेंटोसिस करते कैसे थे, एक बहुत पतली निडल मदर के पेट से जाते हुए यूट्राइन वॉल तक जाती थी, और हमने पढ़ा यूट्राइन वॉल में एंडोमेट्रियम आ रहा है, फिर उसके बाद क्या है,
एमनियन और क्रॉनिक विलाय ये सब आने लग जाते हैं। तो वहां पर एमनियोटिक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसमें बच्चा, वो लिक्विड जिसमें बच्चा घूम रहा होता है, तो उस एमनियोटिक कैविटी से लिक्विड उस निडल की हेल्प से स्क्वीज कर लिया जाता है। उस एमनियोटिक फ्लूइड में कुछ क्या है, बच्चे के स्किन सेल्स भी आ जाते हैं। तो स्किन सेल से आप ये पता लगा सकते हो कि बच्चा कैसा है। सेल आ गया इसका मतलब डीएनए भी आ गया, डीएनए से आप उसका सारे क्रोमोसोम्स को देख सकते हो। तो ये क्या है, एक बहुत अच्छी एग्जामिनेशन या डायग्नोस्टिक मेथड था जिससे ये पता लगा सकते थे कि बच्चे का डीएनए बिल्कुल सही है कि नहीं। बच्चे का डीएनए सही होगा तो सारी चीजें ठीक होंगी, कोई तरह का डिजीज नहीं होगा उसमें, मेटाबॉलिक कोई डिसऑर्डर नहीं होगा, सारे ऑर्गन फॉर्मेशन ठीक होंगे। तो इस तरीके से हम इसको करते थे कि मदर के वूम तक हम निडल लेकर जाते थे और वहां पर जो एमनियोटिक कैविटी है उसके फ्लूइड को स्क्वीज कर लिया जाता था और फिर उसके डीएनए को चेक करते थे। तो यहां से हम पता लगा सकते थे कि बच्चा बिल्कुल सही ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो क्या फायदा था इस टेक्निक का, दिस टेक्निक हेल्प इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द फिटस। क्योंकि जब आप डीएनए देख रहे हो, सारे क्रोमोसोम देख रहे हो, तो उसमें एक्स क्रोमोसोम भी दिखेगा या एक्स वाई क्रोमोसोम भी दिखेगा। इट ऑल्सो हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्जेनाइटल डिजीज, डीएनए से रिलेटेड कोई डिजीज है, हमारा डीएनए बिल्कुल सही बन रहा है कि नहीं, जेनेटिक डिसऑर्डर है कि नहीं कोई। इट ऑल्सो हेल्प इन स्टडिंग एनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कि आपके जो ऑर्गन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, वो ठीक से काम कर रहे हैं, उनकी फंक्शनिंग का भी यहीं से पता लगाया जा सकता है। तो फायदे बहुत थे इस टेक्निक के, लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या रहा, दिस टेक्निक इज मिस यूज एज फीमेल फिटस इज अबॉर्टेड वेन इट इज स्टिल नॉर्मल। कि मिस यूज किया गया फीमेल फीटस को अबॉर्ट कराने के लिए, भले ही उसका कोई उसके अंदर कॉन्जेनाइटल डिजीज ना हो, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ना हो, फिर भी फीमेल फिटिसाइड को अबॉर्ट करा दिया जाता था। तो इस चीज की वजह से ये क्या हो गया, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको कंप्लीटली बैन कर दिया गया इन 1994। ठीक है, तो इस दूसरा क्या किया गया, एक तो एमिनोसेंटोसिस बैन हो गया, दूसरा कोई भी अगर मेडिकल प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसको पहले क्या है, अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, आप ऐसे ही कोई भी हॉस्पिटल या अपना डायग्नोस्टिक सेंटर स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है, इसी से लिंक्ड हमारा अमीनोसेंटोसिस से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ दी प्रेगनेंसी, क्या एब्रीवेशन बनेगी, MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें बहुत सारी एब्रीवेटेड फॉर्म है, एग्जाम में एब्रीवेटेड फॉर्म पूछी भी जाती हैं, जैसे MTP का मतलब क्या होगा, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ दी प्रेगनेंसी। इट इज इंड्यूस्ड अबॉर्शन बिफोर द फिटस बिकम वाइबल, कि जो अबॉर्शन करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। कि अगर बच्चा ठीक से ग्रो नहीं हो रहा है तो हम क्या है, एक डिफेक्टेड चाइल्ड को कोई दुनिया में नहीं लाना चाहता, तो उसको क्या है, बिफोर द बर्थ उसको अबॉर्ट करा दिया जाए, तो उस प्रोसेस को हम मेडिकली क्या बोलेंगे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ दी प्रेगनेंसी। अबॉर्शन कैन बी डन ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू मंथ ऑफ दी प्रेगनेंसी, सेफेस्ट पीरियड ऑफ MTP इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहले 3 महीने, ट्राइमेस्टर, ट्राई मीन्स 3, मेस्टर मतलब मंथ्स, 3 मंथ्स का जो टाइम पीरियड है वो सबसे सेफेस्ट पीरियड होता है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराने के लिए। उसके बाद जो है वो फीमेल की बॉडी को इफेक्ट कर सकता है, इवन उसकी जान भी जा सकती है। तो क्या फायदा है, MTPs के प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन डिक्रीजिंग द ह्यूमन पॉपुलेशन। इट ऑल्सो हेल्प इन गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी विच मे बी हार्मफुल और फीटल टू बोथ मदर एंड दी फीटस।
ड्रॉबैक क्या है, बार बार अगर एमटीपी होएगी तो कोई भी फीमेल क्या है इमोशनली बहुत वीक हो जाती है, तो इसकी वजह से सोशल इश्यूज भी खड़े हो सकते हैं। दूसरा, इसको भी मिसयूज किया जाता है कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम है ये कहकर और फीमेल फीटस को अबॉर्ट करा दिया जाए। तो एमटीपी क्या है, मेडिकल, जब आप डॉक्टर की सहायता से, डॉक्टर की हेल्प से, डॉक्टर के कंसर्न से जब आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ दी प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कि वो डिजीज जो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के ड्यूरिंग द कॉपुलेशन जो फैलती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। दीज आर इन्फेक्शियस, एक दूसरे से फैलने वाली कॉम्युनिकेबल डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी, हेल्दी पर्सन में आ जाना किससे, इन्फेक्टेड पर्सन में ट्रांसफर हो रही है, इसलिए हम इन्फेक्शियस एंड कॉम्युनिकेबल, मतलब जो फैलती है डिजीज उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉम्युनिकेबल। कब फैल रही है, ड्यूरिंग अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, कॉपुलेशन के टाइम विदाउट एनी प्रोटेक्शन अगर सेक्सुअल कॉन्टेक्ट किया जाता है तो किन के बीच, एक इन्फेक्टेड पर्सन और एक हेल्दी पर्सन के बीच में, तो क्या होगा, हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो कब कब STDs के चांसेस बढ़ सकते हैं बच्चे, जब जो पार्टनर्स हैं हमारे, हस्बैंड वाइफ खुद के साथ ही कॉपुलेशन ना करके मल्टीपल पार्टनर्स के साथ कॉपुलेशन करते हैं तो उसकी वजह से भी क्या होगा, STD होने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा, कि वी आर नॉट लाइबल टू अवर हस्बैंड और ए वाइफ, कोई लॉयल नहीं है, वी हैव मल्टीपल पार्टनर्स हैं, तो उस केसेस में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। दूसरा, इन जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं उसके जो पैथोजेंस हैं दे आर रेजिस्टेंस, वो अपने अंदर रेजिस्टेंस कॉज कर लेते हैं जिसकी वजह से वो इजीली फैल जाते हैं। तो कुछ बैक्टीरियल, वायरल और प्रोटोजोअल STDs के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे बैक्टीरिया से होने वाली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या है, क्लेमाइडेसिस, गॉर्निया, सिफेलिस। वायरल से होने वाली एड्स, जेनाइटल हर्पिस, जेनाइटल वॉर्ट, और प्रोटोजोल से होने वाली ट्राइकोमोनासिस एंड कैंडिडासिस। हम जो वायरल से होने वाली जो डिजीज है एड्स, इसकी डिटेल हम एक चैप्टर पढ़ेंगे डिजीज वाला, वहां पर डिटेल आएगी इसकी। तो यहां पर सिर्फ आपको ये जानने की जरूरत है कि कौन सी डिजीज बैक्टीरिया से हो रही है, कौन सी डिजीज वायरस से हो रही है, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सी होती है। अब हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है इनफर्टिलिटी, ये हम कल करेंगे। थैंक यू।